सरोकार। दो हजार 24 के चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, 204 कमजोर सीटों की पहचान की, उन्हें जीतने की 28-29 दिसंबर को रणनीति बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी का लंच, संसद में हंगामे के बाद भाजपा ने विपक्ष के साथ खाया खाना। चीन में नया कोरोना वेरिएंट, एक मरीज में 18 संक्रमित, आलू से बच्चों का बुखार उतार रही माएं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को राहत, 1.7 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर विपक्ष से सहमति बनी। मेसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सीने से चिपका कर सोए लियोनल की फोटो वायरल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। चीन और अमेरिका में कोविड 19 के मामलों में भयंकर उछाल आया है और फिर से कोविड के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते केसों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए वेरिएंट पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए थे। सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए भी कहा था। रायबरेली में दो दिनों पहले चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटने के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। देर शाम पतंग का व्यवसाय करने वालों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले के साथ शहर के पतंग की दुकानों पर छापेमारी की गई। शहर के 15 पतंग व्यापारियों की दुकानों पर छापेमारी करने के बाद किसी भी दुकान पर चाइनीज मांझा नहीं मिला, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने सख्त लहजे में कहा कि चाइनीज मांझा को बेचते हुए कोई भी दुकानदार पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजार में बिक रहा है या नहीं, इस विषय को लेकर के आज हम लोग बाजार में निकले थे। किला बाजार, जनपद का किला बाजार एरिया, कहारों का अड्डा, सुनार गली, इन सब एरिया में जो भी पतंग की दुकानें हैं जहां पे मंजे बिकते हैं उन पर छापामारी की गई और वहां पे देखा गया कि मंजे बिक रहे हैं या नहीं चाइनीज। अभी तो फिलहाल जितनी दुकानें देखी गईं वहाँ पर कोई ऐसा चाइनीज मंजा नहीं मिला है। सभी ऐसे मंजे हैं जो कि यहीं यहाँ के कानपुर में आकाशवाणी के उद्देशकों ने आकाशवाणी भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर एक धरना किया। इस धरने में आकाशवाणी के सभी आकस्मिक उद्देशक कंपेयर असाइनीज उपस्थित रहे। उद्देशकों ने अपनी मांग को लेकर आकाशवाणी कानपुर के कार्यक्रम अधिशासी को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। वहीं पर आकाशवाणी उद्देशक संगठन की अध्यक्ष श्रीमती मालिनी सक्सेना का कहना है कि रेडियो और विविध भारती का कानपुर केंद्र से गहरा नाता रहा है। बीते 26 नवंबर को अपने महानिदेशक नॉर्थ जोन आकाशवाणी से प्राप्त आदेश के अनुसार विविध भारती के कानपुर केंद्र 103.7 FM के केंद्र अध्यक्ष के द्वारा स्थानीय प्रसारण बंद कर दिया गया। इसको शुरू करने के लिए संगठन के लोग प्रयास कर रहे हैं। सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई गई है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और संगठन के अध्यक्ष ने कहा अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ही बचा है। हम बरसों से ये प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं लेकिन इधर बंद होने से हमको बहुत एकदम से झटका सा लगा है। और इतने अच्छे प्रोग्राम चलते थे, हेलो कानपुर है, फरमाइश होती थी हमारी, तो हमको अच्छा लगता था कि यहाँ कानपुर के मतलब हम सुन रहे हैं प्रोग्राम्स, और इधर बंद होने से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। इससे पहले भी मैं 3 साल कर चुकी हूँ लेकिन अभी मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के अभी नवम्बर में हम लोगों का अचानक प्रसारण, लोकल प्रसारण जो जाता था
वो पिछले 2021 नवंबर को बंद किया गया और हम लोगों ड्यूटीज़ तो लग रही थी, लेकिन अभी हम लोग की ड्यूटीज़ भी बिना किसी पूर्व सूचना के रोक दी गई हैं। 4 नवंबर तक ड्यूटीज़ लगी हैं। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां एक दशक पहले हुए काशीराम आवास घोटाले मामले में भीटी तहसील में एसडीएम पद पर तैनात सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक काशीराम आवास योजना के आवंटन में भ्रष्टाचार करने के मामले में भीटी एसडीएम और बलिया जिले के रसड़ा में तैनात अधिशासी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस एसडीएम को अपने साथ लेकर गई। आपको बता दें कि चंदौली में नायब तहसीलदार के पद पर तैनाती के दौरान 2011 में काशीराम आवास आवंटन में व्यापक घोटाला करने के मामले में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। पूरा मामला यह है कि यहाँ के नगर पंचायत यो थे उस समय राजेंद्र प्रसाद ये और ये नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन मिलके जो गरीब असहाय लोग हों उनको आवास नहीं दिए, 20,000 रुपया खाकर अपने ही लोगों को जो सक्षम लोग हों उनको दिए। उसके बाद बहुत हो हल्ला मचा, जांच बैठा, जांच में 40 लोग दोषी पाए गए। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हमें FIR दिए चंदौली कोतवाली में, वो भी लॉन्च नहीं हुआ। बुलंदशहर में सयाना थाना क्षेत्र में एक युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों में युवक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक 2 दिन पहले घर से अपने दोस्तों के साथ गया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। श्यामवीर पत्नी एवं चाचा रामवीर द्वारा अभिषेक उर्फ सोनू जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष है, जो ग्राम बैरा फिरोजपुर का रहने वाला है, की गई है। मृतक 16 दिसंबर 2022 को 2 आदमियों के साथ घर से चला गया था। परिवार ने उन दोनों व्यक्तियों के औरैया शेरगढ़ घाट स्थित यमुना नदी पुल की जर्जर हालत का विशाखापट्टनम से आए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंसल्टेंसी कंपनी के विशेषज्ञों की टीम ने निरीक्षण किया। ड्रोन से किए गए सर्वे में पुल के निचले हिस्से की बियरिंग जाम मिली। बता दें कि टीम 5 दिन तक शहर में रहकर पुल के खंभों की पानी के अंदर और बाहर की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करेगी। अभी शुरुआत में पुल की जर्जर सड़क जाम बियरिंग की मरम्मत के लिए 1,09,00,000 का इंस्टीमेंट बनाकर शासन को स्वीकृत के लिए भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे यहाँ पे हो रहा है, उसमें हमारी विशाखापट्टनम जो टीम आई हुई है उसको अंडर वाटर और ओवरऑल सर्वे के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में वो सर्वे कर रहे हैं। बाकी हम इसका एस्टीमेट तो प्रोसीड कर ही रहे हैं। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हम लोगों ने भेज दिया है फर्स्ट फेज में, जिसमें कि गटर का जो सेतु के मेन मेन पार्ट्स हैं, हमारा एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, बियरिंग्स वगैरह हैं, उनकी जो तात्कालिक रिपेयरिंग है जिससे कि ट्रैफिक खुल सके, वो हम भेज दे रहे हैं। बाकी डिटेल सर्वे रिपोर्ट आप लोगों की आने के बाद हम इसको फिर फर्दर सर्वे जो आपकी फरीदाबाद के सेक्टर 29 बाईपास रोड पर शराब पीकर गाड़ी चलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। दरअसल ई सवार व्यक्ति शराब के नशे में रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा था। मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शराबी ने उल्टा पुलिस वाले से ही अभद्रता करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने शराबी के परिवार वालों को भी बुला लिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज रंजीत ने बताया कि फिलहाल आरोपी कार चालक को सेक्टर 28 पुलिस चौकी भेज दिया गया है, साथ ही आरोपी के खिलाफ मामले में कार्रवाई की जा रही है। पता ना जी, मैं तो 5 दिन में मेरी बेटी हॉस्पिटल चले गई, मोल पता कुछ भी ये
बिना दिए, दारू वारू कुछ नहीं पीते, किसी ने नशा करा दिया हो तो ये कोई बात है। अंकल जी से कोई बात हुई है मेरी, मैं अपनी बेटी घर छोड़ कर आई, मैं नहा रही अभी, तो मेरे बार भी गीले हैं, देखो लत्ती लिपट रही है मेरे, शराब पी रखी है, पुलिस से झगड़ा कर रहे हो, पुलिस से गुथ रहे है, झड़प हो रही है लोगों की, क्या है मामला? ये सर रॉन्ग साइड शराब पी रखा था और रॉन्ग साइड से गाड़ी को ले आया, जब हमने गाड़ी को रोका इनसे गाड़ी बैक नहीं हुआ, फिर हमने गाड़ी बैक करा तो एक तरफ भाग गया, एक दूसरे तरफ भाग गया, दो आदमी बैठे थे इसमें, फिर हम उनको ढूंढ के ले आए, गाड़ी को साइड में लगाया, इनके घर वाले को बुलाया, इनके दोस्त को बुलाया, अब आने के बाद जब इनके घर वाले आ गया तो जो शराब पी रखा था आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो अपनी गलती है। फिर भी आप पुलिस से जो है क्या नाम है झड़प कर रहे हो, पुलिस को जो है अपने की गलती है, इसलिए पुलिस से झगड़ा भी कर रहे हो, लड़ाई भी कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं? गलती होगी उनकी, कौन है वो जिनकी गलती हुई है? अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कह रहे, उनकी सहमति है, उन्होंने उनको रोका है, वो घर भेज। उन्नाव में शहर के आदर्श नगर और शेखपुर गांव के पास सरकारी नहर की खांदी कट गई, जिसमें कई बीघे खेत से में पानी में डूब गए और खेत की सारी फसल पानी में खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक खेतों में रबी की फसल की बुवाई की तैयारी चल रही थी और कुछ खेतों में बुवाई हो चुकी थी, वहीं आसपास के गांव में भी पानी भर रहा है। इसके साथ ही खादी कटने की सूचना किसानों और आसपास के लोगों ने सुबह नहर विभाग को दी। सूचना देने के कई घंटे बाद नहर विभाग के कुछ कर्मी एक जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे, काफी मशक्कत के बाद पानी पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।